ये देखें इसके नाम से होगी, ठीक है। तो आपने इसको ओपन कर लेना, मैं इसको न्यूरम्बर मोबाइल के नाम से होगी। अब ये इस तरह की आपके ऊपर आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा, तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये अब ये मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, ठीक है, उसके बाद ये इंटरफेस दे रहा हूँ। आप लोगों ने खुद ही से लॉग इन कर लेना है, ठीक है, या साइन अप कर लीजिएगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आप लॉग इन करिएगा, वरना आप साइन अप कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इस वजह से मैंने लॉग इन कर लिया। अच्छा, उसके बाद मुझे ये साइकिल जो है ढूंढनी है, स्कूटी ढूंढनी है, जो भी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो है इसके ऊपर सिर्फ ये साइकिल के लिए ऐप है, ठीक है, ये बाकी दूसरी चीज़ों के लिए ऐप नहीं है। तो मैं इसके ऊपर ये साइकिल बनी हुई है, ठीक है, ये इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मेरे पास अभी इतने मिनट फ्री हैं और ये 0.05 सेंट जो है सेंट जो है वो पर मिनट ये लेती है, ठीक है। लेकिन मेरे ऑलरेडी इतने 494 अभी मिनट पड़े हैं। ये क्या शो कर रहा है मैप में ऊपर, ये ब्लू जो शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अभी आप कहाँ पर खड़े हो और आपके पास कहाँ कहाँ साइकिल खड़ी हुई है। तो अभी हम देखते हैं कि अभी अपने मैप को फॉलो करते हुए अभी हम जाते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि कहाँ साइकिल खड़ी। अभी हमारे पास बिल्कुल अगर मैं सुनाऊँ वो देखें, अगर मैं ये साइकिल देखें खड़ी हुई है, ये साइकिल खड़ी हुई है और ये मैप में भी बिल्कुल ये यही शो कर रहा है। ये देखें मैप पे बिल्कुल जो है ना वो एग्जैक्ट वही यही चीज़ शो कर रहा है। ये देखें ये जहाँ पर ब्लू दायरा है, ब्लू डॉट है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल सामने दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि साइकिल सामने खड़ी हुई है। और मैंने अभी आपको दिखाया वो सामने देखे साइकिल ये खड़ी हुई है। जनाब ये मैं बिल्कुल साइकिल के पास आ चुका हूँ, ठीक है। ये वैग रेड के नाम से साइकिल है, ठीक है। ये इसका यहाँ पर इसके ऊपर अगर आपने कुछ सामान वगैरह रखना है वहाँ पर ये रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसकी सीट की एडजस्टमेंट होती है, यहाँ से इसको आप खोलेंगे, इस तरह करेंगे, ये खोला मैंने, और यहाँ से देखें कि सीट जो है इसको मैं नीचे ऊपर एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने एडजस्ट कर ली थी, इसको यहाँ से वापस लॉक कर दिया। मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। इसके ये लगा हुआ है यहाँ पर हॉर्न, ये इसके लगे हुए गियर, ये इसकी ब्रेक है, ये दोनों ब्रेक है, ये अगली ब्रेक है, ये पिछली ब्रेक है, ठीक है। इसके ऊपर ये इसका स्पेशल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। चलो जी अब हम चलते हैं इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। मोबाइल माउंट करने की जगह आप अपना मोबाइल यहाँ पर आराम से रख सकते हैं, ठीक है। ये इसके नंबर भी लिखा हुआ है, दोनों जगह नंबर लिखा हुआ है। चलें जी ये अब मैंने आपको सारा बता दिया, मैं साइकिल के पास बिल्कुल जब पहुंच चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये इधर एक नंबर भी लिखा है और स्कैन भी कर सकते हैं 90240, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कोड पे जाता हूँ और इस पर लिखता हूँ ये मुझे अब कह रहा है कि तुम स्कैन कर लो, ठीक है। मैं स्कैन भी कर सकता हूँ और नंबर भी डाल सकता हूँ। इस पर नंबर पर अगर मैं करूँगा तो ये कह रहा है इधर नंबर डालो, ठीक है। लेकिन मैं भी आपको स्कैन करके तरीका बताता हूँ कि इसको स्कैन करने का, यहाँ से हम अगर इसको ये देखें स्कैनर खुल गया, ठीक है। और ये देखें हम इसके पास जा रहे हैं, ये मैंने इसको स्कैन किया, उसने दिया 90240, ये तुमने साइकिल ले लिया। नीचे मेरी डिटेल आ रही है और इसके ऊपर मैं इस टाइम क्लिक कर देता हूँ। कैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए, अभी ये हुई होती है लॉक, ठीक है। ये उसका लॉक अनलॉक हो गया और इसको मैंने इधर से कर दिया स्टार्ट, ठीक है। ये भी मेरा टाइम, ये देखिए यहाँ से टाइम मेरा स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अगर अक्सर ये होता है कि हम लोग कहीं लेके जाते हैं, इसको पार्क कर देते हैं, तो इस पार्कन पे क्लिक करके जब हम क्लिक करेंगे, अभी मैं इस पर ये भी आपको तरीका बता देता हूँ। अगर मैंने फर्स्ट कर इसको पार्क करनी है तो मैं इसको करता हूँ 21 सेकेंड हो चुके हैं, 22 सेकेंड हो चुके हैं, मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर पार्क कर दूँ, तो ये मेरी पार्क कर देगी। और जब पार्क कर देगी तो ये इसको ये कह रहा है कि इसको लॉक कर दो, मैं इसको ये वापस लॉक कर देता हूँ। ये मैंने लॉक कर दी और मैंने इसके ऊपर पार्किंग पर क्लिक कर दी, अब ये मेरे लिए रिजर्व हो गई है, ठीक है। अब ये अब मैं इसको दोबारा अनलॉक करता हूँ, इस तरह दोबारा इस तरह करना पड़ेगा, ये भी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए हो गया, मैं इसको उसका स्टार्ट, मेरा टाइम दोबारा से स्टार्ट हो गया। सो जी ये मैंने मोबाइल भी माउंट किया है और इसका ये देख लें, अच्छी है, सीमेंट है, सही चल रही है। ओहो आंटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन जो मैं चला रहा हूँ वो वाकई एक अच्छी साइकिल है, मतलब कोई इतनी बुरी नहीं है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 5 सेंट लगते हैं, 5 सेंट फी मिनट, मतलब एक मिनट में आप 5 सेंट इसमें डिडक्ट होते हैं। आज धूप थोड़ी सी है, मतलब थोड़ी देर पहले अभी इधर मौसम अच्छा था, तो
अभी धूप जो है वो धूप भी साथ साथ निकली हुई है, वो अभी इंजॉय कर रहे हैं हम। तो जो है इसके ये गियर है, मैं दूसरे गियर पे भी जा रहा हूँ। तो ये देखें मैंने साइकिल पार कर दी है, ठीक है यहाँ पर। और ये देखें मेरे कितने मिनट चलाई है साइकिल, 41 मिनट। जी हाँ, 41 मिनट मैंने साइकिल चलाई है। अब इसका टाइम आ गया कि मैं इसको एंड कर दूँ, इससे पहले कि कोई और मसला बनता हो मेरे लिए। वैसे तो मसला कोई भी नहीं बनेगा, लेकिन मैं वैसे उस चीज़ में कह रहा हूँ, ये कह रहे इसको पहले आप ऐसे करोगे तो आपका मसला हल होगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ से मैं ये कर देता हूँ। हाँ जी भाई, ये कहता ठीक है।